नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, आप देखते हैं क्वेश्चन आयल भारत। एक चीज़ जो बहुत समय समय बात करना चाहता था, तो अभी मैंने रतन सारदा जी के चैनल पे एक वीडियो देखी, उन्होंने एक लाइव किया था धर्मशास्त्र के ऊपर, एक मैनेजमेंट के ऊपर, कि क्या भारत में बिजनेस मैनेजमेंट, स्किल मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ कभी हुआ करती थी। मैंने वो पूरी वीडियो जितनी भी देखी मैंने, उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा और उसका रेफरेंस लेके कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, और आप भी देखिएगा, काफ़ी कुछ समझ में आया, काफ़ी बड़ी वीडियो थी। धर्मशास्त्र एक टर्मिनोलॉजी है, आप उसको समझने की कोशिश करिए, उसमें क्या है। मैं सर के वीडियो के रेफरेंस से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धर्मशास्त्र का मतलब क्या है। उस लाइव वीडियो में संदीप जी बताते हैं कि धर्मस्य मूलम अर्थ, द बेसिस ऑफ धर्म इज प्रोस्पैरिटी, अर्थस्य मूलम राज्यम, द बेसिस ऑफ प्रोस्पैरिटी इज गुड मैनेजमेंट, राज्य मूलम इंद्रियाज, द बेसिस ऑफ गुड मैनेजमेंट इज सेल्फ कंट्रोल, इंद्रस्य मूलम विनाय, द रूट ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज ह्यूमिलिटी। हर इस चीज़ से एक आगे वाली चीज़ उत्पन्न होती है, और यही कारण है कि भारत में जो इकोनॉमी थी, जो इतनी बड़ी वेल्थ थी, वो एक कैरेक्टर से निकलती थी। आप सोचिए कैसे, अब आपका एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, आपका एक माइंडसेट होता है, तो आप उसी तरीके से काम करते हो। एक टर्मिनोलॉजी जो आप अक्सर सुनते आए हो, आप अक्सर कॉइन किया जाता है, राइट विंग कॉइन करता है प्रेज करने के लिए, गर्व फील करने के लिए, प्राउड फील करने के लिए, लेफ्ट विंग कॉइन करता है टीज करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं, मुगल आए और हमें देखे गए, हम बिना मुगल के तो पॉइंटलेस थे, भारत का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, वो तो अंग्रेजों ने भारत की खोज कर दी, वरना भारत तो था ही नहीं। जो वो टर्म है, भारत तो सोने की चिड़िया थी, भारत के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा वेल्थ थी, भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर था गुड्स का, भारत में बहुत बड़ी आबादी में ट्रेड होता था। ये चीज़ें इतिहास की रिसर्च करके फाइंड की गई हैं कि किस हद तक ये बात सत्य है, और ये बात पाई गई है कि हाँ 24% वेल्थ थी, 32% वेल्थ पूरी दुनिया का ग्लोबल जीडीपी था, तमाम चीज़ें फाइंड की गई हैं। तो ये बिना ट्रेड के, बिना बिजनेस के ये पॉसिबल नहीं। भारत दुनिया के हर देशों में ट्रेड कर चुका था उस वक्त, जो कि आज इतनी सारी पॉलिसीज, बैरियर्स, WTO तमाम चीज़ों के तहत, अमेरिका, चाइना, इनके इन्फ्लुएंस में बहुत चीज़ रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, लेकिन भारत उस वक्त ये सब करता था, बहुत बड़े लेवल पे करता था, इसीलिए भारत की चीज़ें पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, कई हद तक पाई जाती हैं, और भारत के पास इतनी वेल्थ थी। आप देख रहे हैं कि चाइना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमी है दूसरे नंबर पर, वो क्या एक्सपोर्ट नहीं करते, वो इस हद तक वो एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने इस हद तक अपने रेट्स को गिरा रखा है, लेबर को बढ़ा रखा है, चीज़ों को सस्ता कर रखा है, कि उनके नीचे अगर कोई जाएगा तो लॉस में चला जाएगा, तो वो डोमिनेट करते हैं, और इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो ट्रेड करते हैं, तभी तो ऐसा है। ये ट्रेड ही रीज़न है कि अमेरिका चाइना से डायरेक्ट दुश्मनी कभी भी नहीं ले पा रहा है, अभी तक नहीं ले पा रहा है, चिढ़ते हैं एक दूसरे से, लेकिन अमेरिका चाइना के अगेंस्ट वो माहौल क्रिएट नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से एक सिचुएशन आए कि अमेरिका डोमिनेट कर दे चाइना को, अमेरिका इन्फ्लुएंस कर दे, अमेरिका दबा पाए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। और उस वक्त ये हाल इंडिया का था कि इंडिया को कोई दबा नहीं सकता था, फिर इन्वेडर्स आए, ब्रिटिशर्स आए, तमाम चीज़ें हुई। खैर, इस वीडियो के माध्यम से मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो रतन सारदा जी के चैनल पर पूरी वीडियो, लाइव की वीडियो मिल जाएगी, आप पूरा देखिए, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जब मैं थोड़ा सा देखा उसमें ही काफ़ी मुझे कुछ समझ में आया, थोड़ा टाइम की कमी थी मेरे पास। दूसरी चीज़ ये रिवाइवलिज्म, कि हम चीज़ों को रिवाइव करेंगे, जो हमारी जो हिस्ट्री थी, इतिहास था, हम उसको ग्लोरीफाई करेंगे, उसको उठाएंगे, उसको प्रेज करेंगे, उसको जीने की कोशिश करेंगे, उसके तहत उसको सीख के, उसको अप्लाई करके भविष्य में हम आगे अपना रास्ता बनाएंगे। किस लिए? क्योंकि हमने देखा है कि उस वक्त जब वो नीतियाँ अपनाई गईं, धर्मशास्त्र की, जितने भी कौटिल्य की, चाणक्य की, इन सब लोगों की जो नीतियाँ अपनाई गईं, उस वजह से भारत ने प्रॉस्पर किया था, भारत ने विजय हासिल की थी। अगर हम शिवाजी की नीतियाँ अपनाएं, तो वॉर जो आजकल जिहाद के अगेंस्ट वॉर चल रही है, उसमें हम विजय पा सकते हैं। उस वक्त महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, पौरस, इतने सारे ऐसे महान महान लीडर्स पैदा हुए कि इनकी नीतियों को अपनाया जाए, इनके बिजनेस मॉडल को अपनाया जाए, चाणक्य की इकोनॉमी को चलाने वाले तरीकों को अपनाया जाए, हम वो हर चीज़ पा सकते हैं जो हमसे लगभग छूट रही है। और छूट नहीं रही है, छूट ऐसे रही है कि वेस्टर्न वर्ल्ड हमारी हर चीज़ को अपना बनाने में लगा हो। अभी बीच में था कि अश्वगंधा को पेटेंट करा रहे हैं, अभी आपको तो देखने को मिलेगा कि योगा की जो प्रैक्टिसेस हैं, स्पेसिफिक जो ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइजेस हैं, उसको ये लोग अपना टर्म देके, नाम देके प्रमोट कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, कि ये तो कुछ हमारे डॉक्टर्स ने ईजाद किया है, तो हम लोग तो बेवकूफ़ थे, हमें तो स्नेक चार्मर्स कहा जाता था। तो मतलब अगर योगा बन जाए,
तो ग्लोबल टर्म हो जाएगा और सब एक्सेप्ट कर लेंगे। आयुर्वेद आयुर्वेदा बन जाए तो सब एक्सेप्ट करने को तैयार है। मतलब कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, हाथ घुमा के पकड़ो चाहे जैसे पकड़ना पकड़ो, बात तो वही पड़ी। क्योंकि हम इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो इसके लिए कुछ कर रहे हैं। तो उसी तरीके से धीरे धीरे अगर आपने अपनी चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं किया तो वो चीज़ें आप दूसरों के पास छोड़ाएंगे। जैसे सूर्य सिद्धांत कहाँ कहाँ गई और आज बाकी देश प्रॉस्पर कर रहे हैं जो डेवलप्ड नेशंस हैं, और हम उसमें से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो हम भी बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं। लेकिन हम मैं अभी भी ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी बुक्स पे जो वेदास हैं, जो गीता, इन रामायणों को डिकोड करके क्या हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। अगर सरकार कुछ कर रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं। कोई एक्टिविस्ट, कोई हिस्टोरियन, कोई कुछ भी, कोई कुछ कर रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं। अभी के इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को खूब शेयर करिए, और वो जो लाइव वीडियो के बारे में मैंने जिक्र किया वो भी बिल्कुल देखिए, और कुछ सीखने की कोशिश करिए। पुरानी अपनी चीज़ों से सीखिए। हम लोग हिस्ट्री को भुला देते हैं और इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं, तो हम जिस चीज़ में एक्सपर्ट थे वो करना शुरू करिए, ना कि इस चीज़ में। फिर मिलते हैं अगले। जय हिंद, वंदे मातरम।